मॉर्निंग चिल्ड्रन आई एम क्लास फाइव में देखेंगे चैप्टर 18 है अपना चैप्टर 18 जो है कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश चैप्टर का नाम है और इसमें सबसे पहले हम लोग देख चुके थे एक्टिव टाइमिंग नाइट टाइमिंग और ऑक्टिव टाइमिंग के बारे में जान चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश में इंग्लिश का वर्गीकरण जो होता है ये 6 और 7 टाइप्स का होता है सबसे पहले एक्टिव टाइमिंग देख लेते हैं फिर से एक बार जो होता है इसका विषय में आपको मोर देन 0 डिग्री है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री के बीच होता है ठीक है 0 से 90 के बीच जो एंगल होगा वो एक्यू टाइमिंग कहलाएगा इसको न्यू कोण बोलते हैं ठीक है एंगल ए बी सी इसको टू क्या होगा 50 डिग्री दूसरा एंगल है आपको राइट एंगल जो राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है तो इसका विषय में यहाँ पर ऊपर होता है और 180 डिग्री के बीच होता है 80 डिग्री से कम 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए 90 और 80 के 180 के बीच होना चाहिए तो 90 ए क्यू आर जो है क्या 120 डिग्री है जो 90 और 180 के बीच आता है ठीक है इसी 90 और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं ठीक है जो निकट कहलाता है चौथा नंबर है फोर्थ नंबर स्टेट एंगल क्या चीज जो होता है इसका मिजाज में कि 180 डिग्री के पास होता है ना तो जैसे ये लाइन इसका क्या होगा ये लाइन वो बताएगा फिर हम पता था अब ये मिड पॉइंट होता है इसका हाफ में जो है 90 डिग्री का होगा और लाइन 90 डिग्री है और उसका ऐड कर देने के लिए स्ट्रेट एंगल कहलाएगा और 80 डिग्री कहलाएगा ठीक है यानी टू राइट एंगल इक्वल टू 1 स्ट्रेट एंगल कहलाएगा XOY जो है 180 डिग्री का इस तरह का लाइन का बनेगा ठीक है नेक्स्ट है फाइव नंबर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में जो होता है इसका मिरर रेट 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 में कम होता है यानी 180 और 360 के बीच का होता है इसे 240 डिग्री का एंगल है तो ये जो दिखाया गया है QTS ये भी ऐसे गया है सिंथेसिस पिक्चर है एंगल का एंगल S Thank you.